Hello students, welcome to Canonical Classes. In today's video, we are going to start a new chapter that is Electrochemistry. Very important chapter. ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं. सिर्फ बेसिक कवर करेंगे आज के लेक्चर में. तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज व्हाट? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज नेम इटसेल्फ सेज, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रॉन्स की केमिस्ट्री. इलेक्ट्रॉन्स प्लस उनकी जो केमिस्ट्री है, आप उसको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई भी केमिकल चेंज, ठीक है, एनी केमिकल चेंज अकर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. कोई भी अगर आपको केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो उस केमिस्ट्री को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, तो इस केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करें कि सिंपल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. या फिर हम कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी. ठीक है, ऐसे इंटरकन्वर्जन जिसमें ऐसी ब्रांच जो कि डील करेगी किसके साथ? इंटरकन्वर्जन किसका? केमिकल का इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल का केमिकल में इज नोन एज, ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको अंडरलाइन करेंगे अपनी नोटबुक्स में. ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. वेरी इंपॉर्टेंट. तो सिंपल क्या है ये? सिंपल एक इंटरकन्वर्जन है. इंटरकन्वर्जन करती है किसकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? केमिकल में, केमिकल एनर्जी में. और केमिकल को किसमें कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल में. ठीक है, ये जो सिंपल इंटरकन्वर्जन है, इसी इंटरकन्वर्जन को आप क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल देते हैं. अब देखिए, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में होगी या केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए एक डिवाइस चाहिए. इसके लिए आपको क्या चाहिए? डिवाइस चाहिए, है ना, मतलब कोई डिवाइस होनी चाहिए जो इसको इसमें कन्वर्ट करे और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे. फॉर दिस इंटर कन्वर्जन वी नीड अ डिवाइस, और उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? सेल. CELL, सेल. वेरी इंपॉर्टेंट. उस डिवाइस को क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है. और सेल हमारी कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल एंड केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल. तो सेल को भी डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट इज सेल? सेल इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इट इज A device which convert, जो कि क्या convert करेगी? आपकी electrical into chemical and chemical into electrical, which convert electrical energy into chemical energy. And chemical energy into electrical energy. ठीक है, तो ऐसी डिवाइस जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी, आप उसको क्या बोल देते हो? सेल बोल देते हो. ओके, तो सिंपल फिर से रिपीट करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स की केमिस्ट्री, ऐसी ब्रांच जो कि डील करती है इंटर कन्वर्जन में किसके? इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल देते हैं. तो अगर इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करना है या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए और उस डिवाइस को बोला जाता है सेल. तो सेल क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो कन्वर्ट करेगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो ये जो सेल है दो टू टाइप्स की होती है. यहां पे जो हम सेल स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स. यहां पे लिख देते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप की होगी. फर्स्ट इज, पहली जो सेल होगी दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम क्या है? इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना, किसमें? केमिकल एनर्जी। ओके, और सेकेंड जो हम सेल पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानी जाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, इसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी को चेंज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, मतलब वाइस वर्सा एक दूसरे का। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपकी वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल को केमिकल में या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो दो टाइप के सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होगी जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, और जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो होगी जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अब हमने इन दोनों सेल्स को डिटेल में स्टडी करना है। ओके, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करना है, देखिए, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल में कन्वर्ट करें, केमिकल एनर्जी है ना, अगर मैं इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करती हूं या फिर मैं केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती हूं, तो ये दोनों को डिसाइड करता है हमारी एक एनर्जी जिसको बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी ये क्या डिसाइड करता है? इट डिसाइड द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। क्या आपकी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ये फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? आपका गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिकल को हम केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर केमिकल को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए हम डेल्टा जी की हेल्प लेते हैं। क्योंकि जो डेल्टा जी है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, हम इसको बोलेंगे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा जी बताएगा कि वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब फेवरेबल है, या नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नॉन फेवरेबल। ठीक है, तो जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है उसके लिए डेल्टा जी हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, और अगर रिएक्शन, मैं यहां पर लिख देती हूँ फेवरेबल या फिर और स्पॉन्टेनियस के लिए, स्पॉन्टेनियस एक ही बात है। ठीक है, या तो फेवरेबल बोल दो आप उसको, या फिर आप उसको स्पॉन्टेनियस बोलकर भी डिनोट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो ऐसे केस में आपकी रिएक्शन क्या होती है? नॉन फेवरेबल हो जाती है, नॉन फेवरेबल। और अगर आपकी रिएक्शन नॉन फेवरेबल हो जाती है, तो इसको आप नॉन स्पॉन्टेनियस के नाम से भी जानते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो आप क्या देखिए, डेल्टा जी की वैल्यू देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की तरफ मूव हो रही है, मतलब रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन अगर आपका डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। इट मीन्स ये रिएक्शन अपने आप तो हो गई नहीं, तो इस रिएक्शन को इस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे हम? फोर्सफुली हमें ये काम करवाना पड़ेगा, फोर्सफुली हमें ये रिएक्शन प्रोसीड करवानी पड़ेगी। ठीक है, फोर्सफुली द रिएक्शन विल प्रोसीड। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप केमिकल बनाओगे तो ये अनफेवरेबल होता है, अनफेवरेबल। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये अनफेवरेबल है, लेकिन केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाना इज फेवरेबल। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक करके आप केमिकल में चेंज कर रहे हो, तो ये कोई फेवरेबल कंडीशन थोड़े ना। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप ब्रेक करके केमिकल में चेंज नहीं होगी, आपको उसको फोर्सफुली कराना पड़ेगा, आपको उसको जबरदस्ती करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, ताकि वो केमिकल में। लेकिन केमिकल में तो सिंपली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल से केमिकल के लिए डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और केमिकल से इलेक्ट्रिकल के लिए यहां पर जो आपका डेल्टा जी है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्योंकि ये फेवरेबल रिएक्शन इज योर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और जो ऊपर वाली अनफेवरेबल इज योर कौन सी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे बात कर लेते हैं, जो हमने सेल्स डिसाइड की थी कि ये वाली सेल्स हैं जो ये काम करती हैं, तो वहां पे हमने दो सेल्स की बात करी थी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, है ना।
तो अगर मैं उन दोनों सेल्स की बात करूं, पहले मैं इलेक्ट्रोलिटिक लिखती हूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो इन सेल्स के अंदर जो आपका डेल्टा जी की वैल्यू रहती है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा जीरो से इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा जी हमेशा क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव। अगर आपका डेल्टा जी यहां पर पॉजिटिव रह रहा है तो इट मीन्स ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। और अगर ये रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इन रिएक्शन को आप फोर्सफुली करवाओगे, ये रिएक्शन अपने आप प्रोसीड फर्दर नहीं करेंगी इन, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। किसको प्रोड्यूस होते हैं, यहां पे प्रोडक्शन किसकी होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी आप कहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑब्वियसली कहां से, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहे हैं आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो इसीलिए इन रिएक्शन को बोला जाता है कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, फोर्सफुली आप करवाओगे इसको, और ये रिएक्शन इररिवर्सिबल होती है, मतलब एक बार ये कन्वर्ट हो गई तो फिर आप वापस नहीं कर सकते। तो ये रिएक्शन क्या होगी आपकी, इररिवर्सिबल रिएक्शन, दे आर इररिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, इररिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हो। ठीक है, और इररिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर जो आपके डेल्टा एच है, मतलब एंथैल्पी है, वो ग्रेटर देन भी हो सकती है जीरो से और स्मॉलर देन भी हो सकती है जीरो से, वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन क्या आपको गिवन है। क्लियर है, तो ये आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या क्या होती हैं, कि जिनकी डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, प्रोडक्शन किसकी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये हमेशा इररिवर्सिबल रिएक्शन देती है। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर यहां पर जो इंटर कन्वर्जन होगा, यहां पर जो आप इंटर कन्वर्जन देखोगे, वो इंटर कन्वर्जन किसके बेसिस पे होगा, वो इंटर कन्वर्जन होगा आपका केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, व्हेनेवर यू आर चेंजिंग अ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपका चेंज होता है वो कैसा रहता है, अनफेवरेबल हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज अ फेवरेबल रिएक्शन। इस फेवरेबल रिएक्शन में आपका जो डेल्टा जी है, यहां पर जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है वो ऑलवेज स्मॉलर देन जीरो रहेगी। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जीरो से स्मॉलर है, तो जीरो से स्मॉलर एनर्जी क्या होती है, इसका मतलब डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, है ना। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तभी तो इस रिएक्शन को आप स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, तभी ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि डेल्टा जी है वो किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करता है। कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उसकी स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए हमें डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, और उसके बेसिस पर ही आप बताएंगे कि ये रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो डेल्टा जी पॉजिटिव है और उसको हम फोर्सफुली करा सकते हैं, लेकिन अगर रिएक्शन नेगेटिव है तो उस रिएक्शन पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इनिशिएशन देंगे या थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, वो रिएक्शन अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा जी नेगेटिव होगी और ये रिएक्शन आपको पता लग गया स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जो स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस है, ये दोनों टाइप की होती हैं, दोनों होती हैं, कौन कौन सी, रिवर्सिबल भी और इररिवर्सिबल भी, रिवर्सिबल एज वेल एज इररिवर्सिबल। ठीक है, दोनों टाइप की रिएक्शन शो करेंगे आपके, रिवर्सिबल भी शो करेंगे और इररिवर्सिबल भी शो करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को फर्दर आपने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, और वो दो कैटेगरीज क्या है, इसकी फर्दर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दो तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है। फर्स्ट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दैट इज केमिकल सेल्स। सेकेंड जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दैट इज कंसेंट्रेशन सेल। कंसेंट्रेशन
सेल्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने ये दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को भी काफी डिटेल में स्टडी करना है। तो देखिए यहां पर भी अगर हम डेल्टा एच की वैल्यू करें, डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करें इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शंस के अंदर, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो भी पॉसिबल है और डेल्टा एच जो है आपका स्मॉलर देन जीरो भी पॉसिबल है। दोनों कंडीशन है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, दोनों केसेस हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग किस पे करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें डेल्टा एच पॉजिटिव भी लेना पड़ सकता है और डेल्टा एच नेगेटिव भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप देखिए जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का काम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करने वाले एजेंट्स भी चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करने वाले एजेंट्स को क्या बोला जाता है, जो हमें इलेक्ट्रॉन्स देंगे, जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग एजेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सिंपली आपके इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग एजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग एजेंट्स, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स वही होते हैं जो बहुत अच्छे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन्स का काम करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर द केमिकल स्पीशीज, दीज आर द केमिकल स्पीशीज, these are the chemical species which क्या करेंगे कि ये ऐसे chemical species हैं which dissociate completely in aqueous सॉल्यूशन, जो कि एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका मैं कोई एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल हम बात करें तो NaCl, NaCl को अगर आप एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो आपका NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जैसे कि हम जिंक और कॉपर की रिएक्शन लें, Cu2 पॉजिटिव और जिंक जो कि किसमें चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। इस तरह की कोई भी आयनिक रिएक्शन होगी या कोई भी आयनिक कंपाउंड है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और क्यों इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग एजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग एजेंट्स। तो जो एजेंट्स आपके इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेंगे उनका बहुत अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव रोल होता है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, या हम बोले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। अब अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, नॉन इलेक्ट्रो लाइट्स, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग एजेंट्स। ठीक है, बट ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, दे डू नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन, दे डू नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई नहीं करेंगे। क्यों क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहे थे, ये डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इनकी डिसोसिएशन नहीं होगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई नहीं करते। ओके, तो हमारे पास दो तरह के एजेंट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा। इसका मतलब जब भी हम किसी भी सेल की बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, ना कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही एनर्जी होगी। अब यहां पर हमें यह पता है कि हम क्या कर रहे हैं कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम केमिकल से बनाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस एनर्जी को, मतलब केमिकल की कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफर हो रही है, तो केमिकल एनर्जी हमारे पास आएगी कहां से। ठीक है, तो वो कहां से आएगी, केमिकल हमें कहां से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। ये जो हमें मिलेगी ये कहां से मिलेगी, केमिकल रिएक्शन से। और कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में हेल्प करती है, तो वो केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भाई, हमने रिडॉक्स को ही क्यों चूज किया, अब यहां पे ये क्वेश्चन आता है। तो रिडॉक्स को इसलिए हमने चूज किया क्योंकि रिडॉक्स के अंदर होती है ऑक्सीडेशन,
और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकंड, साइमल्टेनियसली उसमें होती है रिडक्शन, रिडक्शन भी उसी टाइम पर हो रही होती है, तो रिडक्शन को बोलते हैं हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो रिडॉक्स का मतलब क्या हुआ, रेड ऑक्स, रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, क्लियर है ये बात। रेड जो है वो रिडक्शन के लिए होता है, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ही एक्चुअल कंसेप्ट है इसके अंदर, इसीलिए आपके इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लॉस एक साथ हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ही लॉस हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं एक बीकर लेती हूं, ये मैंने बीकर लिया और इस बीकर के अंदर मैं यहां पे जिंक रॉड ऐड करती हूं, उस रॉड को मैं पिंक कलर से शो करती हूं आपका, ये रहा आपका जिंक रॉड, जिंक का स्ट्रिप ऐड किया मैंने इस बीकर के अंदर, ठीक है, दिस इज जिंक स्ट्रिप, जिंक स्ट्रिप ऐड किया। अब सबसे पहले जब हम देखेंगे तो इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन किसका होता है, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने जो ये सॉल्यूशन डाला है, ये जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, इट इज ड्यू टू कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये ब्लू कलर का मतलब क्या है, ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, ब्लू कलर और किसकी वजह से है, CuSO4 कॉपर सल्फेट की वजह से ब्लू कलर है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का ही ब्लू कलर होता है। और जो ये पिंक दिख रहा है आपको, ये जिंक रॉड हमने लिया है, ठीक है। जब मैंने जिंक रॉड कॉपर सल्फेट के अंदर डाली, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, यहां तक करके दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद अगर मैं देखती हूं, यहां पे लिख लेते हैं हम आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद अगर मैं देखती हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है, ये बीकर एज इट इज, ठीक है, और ये जो हमारे पास स्ट्रिप थी इसकी शेप चेंज हो रही है, यहां से इसकी, ये इस तरह से इसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है। शेप के साथ साथ ये जो सॉल्यूशन हमारा ब्लू कलर का था, ये सॉल्यूशन कौन से कलर का हो गया, कलरलेस हो गया। अब मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन का कोई खास कलर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, कलरलेस हो चुका है, फेड हो चुका है सॉल्यूशन। तो ऐसा क्यों हुआ कि मतलब वो आपका सॉल्यूशन जो है वो फेड हो गया, मैं इसीलिए फेडेड कलर आपको येलो से दिखा रही हूँ, क्योंकि येलो इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता, क्लियर है, तो इसलिए मैं इसको येलो से शो कर रही हूं आपको, ठीक है। तो देखिए, ब्लू कलर किसमें हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन में हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक है, यहां पे येलो कलर इज शोइंग कलरलेस सॉल्यूशन। और जो जिंक की जो स्ट्रिप है, जिंक स्ट्रिप स्टार्ट चेंजिंग इट्स शेप, जो जिंक स्ट्रिप है स्टार्ट चेंजिंग इट्स शेप, इसने अपनी शेप चेंज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ कि जिंक को अपना शेप चेंज करना पड़ा, या फिर जो ब्लू कलर था कॉपर सॉल्यूशन का वो चेंज होकर कलरलेस हो गया, ऐसा क्यों हुआ। देखिए, इसका मतलब ये कि जब मैंने जिंक को डिप किया कॉपर सल्फेट में, हम इसको लिखते हैं, इट मीन्स वेन जिंक डिप्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन, जब जिंक को CuSO4 सॉल्यूशन में डिप किया तो क्या रिएक्शन बनी, जिंक था आपके पास सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, प्लस इसमें क्या ऐड किया आपने, Cu2 पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक्वस फॉर्म में, जो कि क्या प्रोडक्ट बना रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड, और ये क्या है आपका एक्वस, ठीक है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, यहां पर क्या था, ये क्या है, ये जिंक, जो मैंने जिंक यहां पे ऐड किया, ये जो आपकी जिंक है इसको मैंने यहां लिख दिया सॉलिड स्टेट में, ये जो सॉल्यूशन है ये आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जो कि Cu2 पॉजिटिव। अब देखो, CuSO4 जो है आपका, मैं सिंपल आपको बता दूं कि जो CuSO4 है, CuSO4 कैसे ब्रेक कर सकता है, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 पावर 2 नेगेटिव, है ना, SO4 पे पावर 2 नेगेटिव, इस तरह से ब्रेक करेगा। अब यहां पे आप एक चीज याद रखेंगे कि ये जो आपका सल्फेट आयन है, इस सल्फेट आयन को बोला जाता है स्पेक्टेटर आयन, क्या बोला जाता है इसको, स्पेक्टेटर
आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब अगर ये सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं भी प्रेजेंट है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये इस तरह का आयन है जिसे होने ना होने से सॉल्यूशन को कोई इफेक्ट नहीं होता, इस तरह का आयन होता है, इसको स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं। तो जब CuSO4 को मैं CU2 पॉजिटिव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 पॉजिटिव हमें यहां से मिल रहा है, ठीक है। तो जो है हमारा कॉपर सल्फेट वो CU2 पॉजिटिव, इसके साथ जो SO4 है वो उसका होना ना होना एक बराबर है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना दैट इज Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अब यहां पे क्या हुआ कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव था ये रिस्पॉन्सिबल था कलर ऑफ द CuSO4, जो CuSO4 का ब्लू कलर था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था कौन, कॉपर 2 पॉजिटिव। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर जो कॉपर 2 पॉजिटिव है उसको किसने रिप्लेस कर दिया, जिंक 2 पॉजिटिव ने, किसने रिप्लेस कर दिया, जिंक 2 पॉजिटिव ने, जिसकी वजह से जो आपका ब्लू कलर था वो किसमें चेंज हो गया, कलरलेस में चेंज हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। CU2 पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय Zn2 पॉजिटिव, हेंस द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। हमें कैसे पता रिप्लेस किया, देखिए जिंक आपका सॉलिड स्टेट में था, कॉपर आपका एक्वस फॉर्म में था, ठीक है। उसी तरह जो इस एक्वस फॉर्म में अब क्या आ गया, जिंक आ गया, लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या चला गया, कॉपर चला गया। अब देखिए यहां पे जिंक अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में है तो हम इसको बोलेंगे जीरो, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है, जीरो, और यहां पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इंक्रीज हो जाता है, अगर आपके ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, और अगर आपके ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो जाता है, मतलब जैसे कि ये कॉपर है और यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 0 है और यहां पर 2 पॉजिटिव, तो 2 से कहां गया, 0 की तरफ, तो इसका मतलब यहां पे डिक्रीज हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन, रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो गई, ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो गई दोनों दोनों के अंदर, जिंक में भी, जिंक में ऑक्सीडेशन हो गई मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी Zn2 पॉजिटिव बन गया, और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तभी वो क्या बन गया, कॉपर बन गया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। अब देखिए यहां पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम अलग अलग से भी लिख के दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूं कि जिंक था, जिंक सॉलिड था, उससे क्या बना, Zn2 पॉजिटिव, कब बना, जब उसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कॉपर 2 सल्फेट, पहले क्या था, कॉपर 2 सल्फेट था, ठीक है, तो कॉपर 2 सल्फेट में अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका कॉपर बनेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, क्या बोलेंगे हम इसको, रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव में जब आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया तो वो आपका प्योर कॉपर बना, और वो प्योर कॉपर कैसे बना, रिडक्शन के थ्रू बना, और जिंक से Zn2 पॉजिटिव कैसे बना, ऑक्सीडेशन से बना, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप आगे कंक्लूड कर सकते हो कि आपकी रिएक्शन किधर को मूव कर रही है, ओके। जब हमें पता है कि जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है उसको आप रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हो, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, किसने ऑक्सीडेशन करवाई है, एंड दूसरा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जो कि अपने नाम से ही बता रहे हैं कि वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आपका फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो नाम से ही बोल रहा है कि वो कौन सा एजेंट है जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ठीक है। हम तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एजेंट विच ऑक्सीडाइजेस, ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडाइज करेगा किसको, ऑक्सीडाइजेस द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस द सब्सटेंस बट लेकिन रिड्यूसेस इटसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे सब्सटेंस को लेकिन खुद क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपली
हम दूसरे तरीके से अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस मतलब क्या कर रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, खुद क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वहीं पे अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिफाइन करूं तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स बिल्कुल ऑपोजिट होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडेशन करवा रहे थे है ना, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करवाएंगे, द एजेंट्स विच रिड्यूसेस सब्सटेंस, विच रिड्यूसेस सब्सटेंस, द एजेंट विच रिड्यूसेस सब्सटेंस बट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, लेकिन अपने आप को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हो आप, रिड्यूसिंग एजेंट। नाम से ही समझे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन करवाए, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिडक्शन करवाए। ठीक है, और खुद क्या हो जाए उसका उल्टा, जो वो करवाते हैं, जो उनका काम है उनका नेचर उससे अपोजिट होता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम अगर ऑक्सीडेशन है तो उससे अपोजिट क्या है, वो खुद क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, उनका नेचर क्या है, वो रिड्यूस हो गए। उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम अगर रिडक्शन है, ठीक है, तो वो खुद क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए। क्लियर हुई बात। इसका मतलब अगर मैं इसको सेकेंड डेफिनेशन से डिफाइन करूं कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, खुद अब ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम उसी एग्जाम्पल से, जो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिंक और कॉपर वाला, उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। सब देखिए, ये जिंक सॉलिड है आपके पास, इसमें हमने ऐड किया कॉपर टू पॉजिटिव। अब तो सबको पता लग गया होगा यहाँ पे कॉपर टू पॉजिटिव क्यों लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो SO4 है वो कौन सा आयन है, स्पेक्टेटर आयन है, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना हमारी सेल को, ना हमारी रिएक्शन को, ना ही कॉपर को। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या बना, Zn2 पॉजिटिव। यहाँ पर जिंक सल्फेट बना था लेकिन उसको भी मैंने Zn लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो सल्फेट है वो स्पेक्टेटर आयन है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस कॉपर। अब आप देखिए, जीरो से ऑक्सीडेशन स्टेट थी, जीरो से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। यहां प्लस टू से किसकी तरफ मूव हुआ, जीरो की तरफ, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब देखिए, अब जिंक की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, तो जिंक की अगर ऑक्सीडेशन हो गई है, ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, इसका मतलब ये कौन सा एजेंट हुआ, अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया तो इसका मतलब ये तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ना, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे की रिडक्शन करवाते हैं, मतलब जिंक ने कॉपर की रिडक्शन करवा दी लेकिन खुद की ऑक्सीडेशन करवा दी, इसीलिए जिंक को मैंने क्या बोला, रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरह अगर मैं कॉपर की बात करूं तो ये जो कॉपर है, ये इसको दूसरे पेन से लिखते हो, ये जो कॉपर है ये क्या हो गया, ये खुद क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। अगर ये खुद रिडक्शन कर रहा है तो इसका नेचर क्या, रिडक्शन के ऑपोजिट होगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो किसकी ऑक्सीडेशन करवा दी, इसने जिंक की ऑक्सीडेशन करवा दी। अगर यहां पे कॉपर नहीं होता तो जिंक की ऑक्सीडेशन नहीं होती, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला, और अगर यहां पे जिंक नहीं होता तो कॉपर की रिडक्शन नहीं होती, इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला गया। क्लियर है आपको ये बात। ठीक है, तो जिंक को रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, जो तो अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, अगर ये रिडक्शन कर रहा है तो दूसरे को रिड्यूस कर दिया। दीज आर योर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसी में कंसेप्ट में गड़बड़ी रहती है कि क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये तो अब आपको पता ही है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शन कंसीडर करते हैं वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जहां पे रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर मैं आपको इसको दूसरी डेफिनेशन से समझाऊं, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बोला, इसको कॉपर इज माय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन ही तो किया। देखो, कॉपर टू पॉजिटिव था, मतलब टू पॉजिटिव की वैकेंसी थी, दो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब इसने यहाँ पे जिंक से वो दो इलेक्ट्रॉन लेकर बन गया, कॉपर बन गया, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। इस डेफिनेशन से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन हो जाना, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन हो जाना,
क्लियर है ये बात? ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो भी रिडॉक्स रिएक्शन है वो हमेशा फेवरेबल होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम रिडॉक्स रिएक्शन यूज करते हैं। इस पॉइंट को यहां पे नोट करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन इज फेवरेबल, रिडॉक्स रिएक्शन इज फेवरेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, किसकी प्रोडक्शन के लिए? इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए अपने नोट्स बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी लेक्चर मिस ना करें। ठीक है, और कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।